जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सबका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मुझको पक्का यकीन है कि आज विकास इकोटेक में आज जो तकरीबन 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, इसी की वजह से तनाव में आ गए और तनाव में आकर ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि तनाव बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि विकास इकोटेक के बारे में बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है। शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिला, किस स्टॉक में इन गिरावट देखने को नहीं मिल रहा आप बताइए। अडानी जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स लगातार धराशायी हो रहे हैं, तो विकास इकोटेक है। आप सबसे पहले तनाव मत लीजिए। मैं बताऊँगा कि आपको विकास इकोटेक में करना क्या है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको तनाव नहीं लेना है। तनाव लीजिएगा तो हड़बड़ा के इसको लॉस में बेच कर चले जाएगा, फिर कमाने वाले निचले लेवल पर इसको बाय करेंगे और ऊंचे ऊपर जब जब प्राइस जाएगा वहाँ पर बेच के निकल जाएंगे। इसलिए आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। विकास इकोटेक में आराम से बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब चलिए मैं बताता हूँ विकास इकोटेक में हुआ क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अभी इसका प्राइस चल रहा है 3.20 रुपये के आसपास। इसने दिन भर में तकरीबन 3.35 रुपये का हाई लगाया था, लेकिन अभी शाम होते होते 3.20 रुपये के आसपास अपना क्लोजिंग दे दी है। और देखिए, ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो तकरीबन 12.5% के आसपास पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन हो कह रहा है बीच बीच में गिरावट रहा है, लेकिन फिर स्टॉक चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ ऐसे इसमें चल रहा है। और धीरे धीरे ये ऐसी तरह करते करते ऊपर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो लोग बेच देंगे घबरा कर उनको नुकसान हो जाएगा, और जो लोग यहाँ पर बेचेंगे उनको फायदा होगा। अब समझिए, पिछले 1 मंथ में देखेंगे तो तकरीबन 7.5% के आसपास स्टॉक टूटा है। पिछले 1 मंथ में देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा बढ़ बढ़ के एक बार अचानक से ऊपर चला गया था। तो जो जिन लोगों ने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक किया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आएगा ही आएगा। एक सप्ताह में देखेंगे तो 11% के आसपास से स्टॉक टूटा है, और एक सप्ताह से पिछले काफी देखें तो तेजी से नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा है। और जिसमें बताया एक दिन में देख सकते हैं 3% के आसपास से स्टॉक टूटा है। हालांकि देखिए, यह है BSE इंडिया की वेबसाइट, यहां पर आप देखेंगे विकास इकोटेक ना तो ASM लिस्ट में ना GSM लिस्ट में। ASM या GSM में यदि यह स्टॉक रहता और उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता तो बात समझ में आता, लेकिन यह जो सबसे टेंशन वाला बात होता है स्टॉक मार्केट, इसमें विकास इकोटेक नहीं फंसा है। तो सबसे पहली बात, हमारा आधा टेंशन ऐसे ही दूर हो गया। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इसमें घबरा कर पैनिक सेलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। तो देखिए, लोग घबरा के जब पैनिक सेलिंग करते हैं ना तो होता क्या है कि देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि आज के दिन इसमें तकरीबन 2,33,822 शेयर्स इसके सेल किए गए हैं, जबकि वहीं बाइंग क्वांटिटी में देखेंगे तो सिर्फ 75,000 शेयर ही तकरीबन इसके बाय किए गए हैं। यानी कि जो सेल करने वालों की संख्या है वो ज़्यादा है बाय करने वालों की संख्या से। तो जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा तो प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आएगा ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पैनिक सेलिंग नहीं करना है, इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। जबकि आपने देखा कंपनी के अभी हाल ही में क्वार्टर के नतीजे आए हैं विकास इकोटेक के, और जो कंपनी के क्वार्टर के नतीजे आए हैं उसमें देखेंगे तो हालांकि नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं आए, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं आए। जैसे आपने देखा होगा जून क्वार्टर में इसके जो टोटल सेल्स हुआ था 2 डिजिट में था, सिर्फ 88 करोड़ के आसपास था, लेकिन वहीं जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें 3 डिजिट में पहुंच गया, 134 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ। और अभी जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है तो वो भी 3 डिजिट में है, 111 करोड़ के आसपास है। हालांकि ये पिछले क्वार्टर से, यानी कि ये जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस बार इससे कम हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट, ये जो छोटी कंपनी, इसका जरूर नहीं कि हर एक क्वार्टर का रिजल्ट पिछले क्वार्टर से बेहतर ही आएगा। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट थोड़ा सा क्वार्टर टू के मुकाबले कमजोर आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसकी वजह से स्टॉक टूट रहा है। आपको समझना होगा कि इतना भी कमजोर नहीं आया। क्वार्टर टू में भी ये जो स्टॉक का सेल्स हुआ था 3 डिजिट में था, क्वार्टर थ्री में भी ये 3 डिजिट में, ऐसा तो नहीं है कि 3 डिजिट कम होकर 2 डिजिट में आ गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट में भी कुछ खास कमी आपको नहीं दिखेगा। प्रॉफिट जहाँ सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था 3,54,00,000 का, अभी देखेंगे तो 2,74,00,000 का हुआ है। कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया प्रॉफिट में या इस कंपनी के सेल्स में। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं उसकी वजह से इसका स्टॉक गिरावट, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल देखेंगे तो आप मार्केट का सीनेरियो इन दिनों देखेंगे तो निगेटिव है, और मार्केट के सीनेरियो में निगेटिविटी जो चल रही है उसकी वजह से बड़े बड़े स्टॉक में डाउनफॉल आ रहा है। तो विकास इकोटेक तो एक छोटी कंपनी है, और इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊँ तो विकास इकोटेक आप देखेंगे केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो केमिकल सेक्टर में जो दूसरी कंपनियाँ जैसे विकास लाइफ केयर हो गया या और भी जो दूसरी छोटी कंपनी, आप जरा बताइए मुझे कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इन दिनों ऊपर की तरफ चल रहा है जिसमें ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसमें आपको हरियाली देखने को मिल रही है, खासकर जो कंपनियां केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती हैं। तो एक सेक्टर में जब गिरावट आता है और ओवरऑल जब पूरे मार्केट में गिरावट आता है तो उसके चलते थोड़े बहुत स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलते हैं। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट विकास इकोटेक में लंबी अवधि का लॉन्ग टर्म का निवेश है तो आप ये छोटी सी गिरावट देखकर क्यों घबरा रहे हैं? इतने दिनों से तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा स्टॉक नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते स्टॉक एक ही बार ऊपर
की तरफ भाग जाएगा। तो आपको इसमें पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखिएगा तभी आप इसमें कमा पाएगा। उम्मीद करता हूँ विकास इकोटेक के बारे में जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या सवाल है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।